तो परिभाषा, पहले परिभाषा पे आते हैं। आपको दिख रही होगी संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों के जिस रूप से। अभी आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा नहीं है क्या होता है, पर कोई नहीं, मैं ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा। कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी आप जो नाम जानते हो वह सब संज्ञा है। कुछ भी आप, कोई भी चीज, दरवाजा है ना, राम है, श्याम है, लड़का है, लड़की है, विद्यार्थी है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, ये सब संज्ञा है, ठीक है। और सर्वनाम क्या है, जैसे वह, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, राम बहुत अच्छा लड़का है, वह ये काम करता है, तो राम की जगह हमने वह प्रयोग कर दिया, तो ये सर्वनाम है जो उनकी जगह, मतलब उन्हीं को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो शब्दों के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। अब ये हो सकता है नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, अन्य शब्द मतलब क्रिया से जोड़ा जाता है, अन्य शब्द का मतलब यहां पे यही है, कोई नहीं, पहचान से मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करा दूंगा। क्या है कि राम ने रावण को तीर से मारा, यहां पे कारक क्या चीज है। अगर मैं इस ने को, इस को और इस से को ना बोलूं इसमें, तो राम रावण तीर मारा, क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, कोई सेंटेंस ही नहीं बना, किसने किसको तीर मारा पता ही नहीं लगा, है ना। अब ये जो इन्होंने ने को करके, ये क्या है, ये इशारा कर देते हैं कि आपने राम ने, तो राम यहां कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता हो गया ही राम, जो भी काम को करे वो सब कर्ता होते हैं, जिसने भी काम किया है, जिसके ऊपर काम किया गया है, रावण के ऊपर, रावण को मारा है ना, जिसके ऊपर काम किया गया है वो रावण कहलाता है, ठीक है। और मतलब सॉरी, कर्म कहलाता है, जिसके ऊपर काम किया जाए, कर्म किया जाए, है ना, और जिससे काम किया गया है वो करण कहलाता है, करण, है ना, जिससे काम किया जाए। अब देखिए इसमें तीन कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। अब ये क्या है, ये अभी मैं पूरी टेबल दूंगा जो कर्ता की पहचान करवाएगी आपको। अब जरूरी नहीं है कि ये ने लगाए ही हर जगह, ऐसा नहीं है कि हर जगह ने लगा के ही देगा तभी आप कर्ता मानोगे, ऐसा नहीं है। जो भी काम करने वाला हो वो सब कर्ता होता है, चाहे ने लगाए या ना लगाए, कर्ता कारक इसके बाद भी छुपा हुआ रहता है कई बार, है ना। रमन अपने भाई के लिए खिलौने लाया, रमन ने किया है ना लाने का काम, भाई लाने का काम, आप क्रिया से संबंध जोड़ो, वही तो ये कह रहा है। संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप का, ये रूप बदल दिया ना, राम ने संज्ञा का नाम बदल दिया, राम ने मतलब रूप प्रयोग हुआ एक, है ना। और ये भी देखो, ये भी को जो हुआ है ना, ये भी संज्ञा है, इसको, तो ये संज्ञा का दूसरा रूप हो गया। इन रूपों का संबंध सेंटेंस से जोड़ा जाता है ना, अन्य शब्दों से, मतलब क्रिया से जोड़ा जाता है, तो वो सब कारक कहलाते हैं। ये सब कारक कहलाते हैं, इस सेंटेंस को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो रमन अपने भाई के लिए खिलौना लाया, तो यहां रमन कर्ता कारक है अभी भी, क्योंकि ये कर्ता है, जो जिसने काम किया है वही कर्ता, कर्ता कर्ता मतलब जो काम करता है। अपने भाई के लिए लाया, जिसके लिए लाया वो संप्रदान कारक में आ जाता है, ये संप्रदान कारक है ना। और खिलौने लाया, ये कर्म कारक है, खिलौने मतलब खिलौने पे काम, जो भी चीज लाई जाती है, जिस पर काम किया जाता है वो कर्म होता है, ठीक है। देखिए क्रिया के आगे क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वो सब कर्म होते हैं, मतलब जैसे लाया, क्या लाया, खिलौने, तो ये कर्म है। किसको लाया, भाई के लिए, यहां तो के लिए आ गया, अपने भाई को के लिए खिलौने लाया है ना, तो वो तो संप्रदान भी कह सकते हैं, अपने भाई को लाया खिलौने, तो को थोड़ी लाया, अपने भाई को पकड़ के थोड़ी लाया कहीं से, उसके लिए लाया, इसलिए संप्रदान। और किसको भी होता, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, है ना, क्या पढ़ता है, तो क्या मिल गया ना, क्या से जो भी उत्तर मिलता है वो सब कर्म है। और क्या ना मिले कहीं, किसको भी मिलेगा, तो किसको का मतलब भी कर्म ही होगा। जैसे माँ ने शाम को रोटी खिलाया, तो दो कर्म है यहां पे, माँ ने शाम को रोटी खिलाया, एक तो किसको, तो शाम भी कर्म कारक है, और रोटी खिलाया तो रोटी भी कर्म कारक है, दो कर्म हो जाएंगे फिर उस पर, है ना। तो कहीं कहीं दो कर्म भी होते हैं, तो ऐसे ही आप सोचिए। अब आप समझ गए होंगे, मोहन
चाकू से सब्जी काट रहा है। ये सब कारक है चाकू से। मोहन काट रहा है, तुम कहो जी ने तो नहीं लग रहा, ने लगे या ना लगे, काम तो काटने का मोहन कर रहा है ना, तो एक कर्ता कारक ही माना जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या काटा जा रहा है, क्या मतलब, क्या का मतलब ये होता है कर्म कारक। अगर ये पता लगे ना, क्या क्या काटा, सब्जी, सब्जी उसकी जगह क्या की जगह उत्तर मिल गया आपको, तो समझ लेना ये कर्म हो रहा है ना, क्या या किसको। ठीक है, वो सब कर्म होते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो क्या की जगह उत्तर मिल गया पुस्तक, ये कर्म है, तो कर्म कारक है पुस्तक में। राम ने पढ़ी है पुस्तक, तो ये कर्ता कारक है ना, और पढ़ तो रहा ये तो क्रिया है। वह गीत गाएगा, देखिए कभी भी ये ने वगैरह जो वर्ड होते हैं ना, ये कभी भी पास्ट में यूज होते हैं, मतलब भूतकाल के सेंटेंस में, राम ने, रावण हुआ, और जब है ना, मतलब वर्तमान में हो या भविष्य में हो, तो ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता भी है यहां, कर्म भी है। ठीक है, वह गीत गाएगा, तो वह का मतलब यह कर्ता भी है, और गीत क्या गाएगा, क्या मतलब कर्म भी है। समझ में आ गई ना, कर्ता कारक कर्म कारक। अब मैं यहीं से आपको कुछ और पहचान दिखाता हूं, कारक के टोटल कितने प्रकार होते हैं। 8 प्रकार का कारक होता है, आप जान लीजिएगा। ठीक है, 8 प्रकार का कारक। अब कारक के चिन्ह, चिन्ह का मैंने आपको बता दिया, जरूरी नहीं है कि चिन्ह लगाए, आपने ऊपर देख लिया है कि ने आएगा तब कारक, ये तो सामान्यतः यूज है, मतलब ने आए तो लगा दो आप, कर्ता कारक ही होगा और कुछ नहीं होगा। कर्म को आ जाए तो आप कर्म कारक कह सकते हो। करण से या के द्वारा आएगा तो करण कारक कहलाएगा। संप्रदान कारक के लिए, अपादान से, तो इनको ऐसे रटो आप ढंग से, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, ऐसे इसको 2-4 बार बोलो, 5-7 बार, 8-10 बार, जब तक याद ना हो तब तक बोलो, आठों के आठों को। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में संबोधन है, अरे अरे ये तो याद हो जाता है, कोई समस्या नहीं है ना। तो अब ये करण, करण का मतलब है जिस चीज से काम किया जाए वही करण होता है। ठीक है, किसके, जिसके ऊपर काम किया जाए, मतलब जिसके ऊपर, जिसको, जैसे पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ा, तो पुस्तक के ऊपर काम हुआ तो वो कर्म कारक है ना। और संप्रदान, जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, जैसे अभी बताऊंगा। अपादान, कोई चीज अलग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलगाव हो गया, पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो वहां अपादान कारक होगा। संबंध, संबंध में काकी के, जैसे राम का भाई ने ये काम कर दिया, श्याम के भाई ने वो काम कर दिया, रारेरी कहां लगेंगे, मेरा भाई ये अच्छा लड़का है, मेरा भाई, संबंध हो गया ना, फिर भी रारी रे, मेरी बहन है ना, मेरे भाई, मेरे पुत्र बहुत अच्छे हैं सारे, तो रारी रे भी लगता है, काकी के भी, का लगता है पुल्लिंग के लिए, की स्त्री बेटी है तो की लग जाएगी है ना, उसकी बेटी या मोहन की बेटी, और बहुत सारे लोग हैं, बेटे हैं 4 तो के लग जाता है, मोहन के 4 बेटे है ना, काकी के, ये सब संबंध में आता है। तो अधिकरण में या पर, पुस्तक मेज पर रख दो, वह कमरे के कमरे में है ना, तो कमरे में अंदर है तो उसको हम अधिकरण लगाते हैं। और संबोधन हे हरे, और ये एकमात्र ऐसा कारक है, देखिए जितने भी ये कारक लगेंगे सब सब संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं, जैसे राम ने, तो ने बाद में लगी है ना, ये विभक्ति सारी। ठीक है, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को, तो को भी बाद में आया है, चाकू से काटता है, चाकू से बस से स्कूल जाती है, तो वो सब चीजें ना, ये सब चीजें बाद में लगती हैं, लेकिन लेकिन ये जो है ना, जैसे ये पहले लगते हैं, एकमात्र संबोधन कारक ऐसा है जिसकी विभक्ति पहले लगती है, हे राम पहले लग जाएगा, देखो संज्ञा से पहले लग गया। ठीक है, हरे राम, ऐसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, ऐसे कौन सी कारक की विभक्ति है जो संज्ञा सर्वनाम से पहले लगती है, तो संबोधन कारक की विभक्ति है ना, बाकी सब तो बाद में लगती है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे अब जरा देखो, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो मैंने आपको डेमो दे दिया है अच्छे से कि कर्ता क्या है, कर्म क्या, अब आप खुद बताओगे, मुझे कुछ नहीं करना। कर्ता कारक ने, अब इसमें मैं अपवाद भी आपको बताऊंगा साथ साथ, कुछ अपवाद भी हैं तो वो भी हम गौर कर लेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस कर्ता के वीडियो को पूरा देख लो और समझ लो,
ना समझ में आए दो बार देख लो, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लो, और एक भी क्वेश्चन कैसा भी कितनी भी गहराई से आ जाए आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। कर्ता कारक, इसमें ने लगता है, पता तो है ही आपको, ने का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कह सकते हो, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताओ परोक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं होता वहां पे, है ना, तो ने शब्द। या दूसरी बात, अगर ने नहीं है, जो भी काम करने वाला हो वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने रोटी खाई, आराम से पहचान लिया ने लग रहा है, कर्ता ने कर्म को हमने रट रखा है, कर्ता के साथ ने लगता है तो कर्ता कारक है ना। तुम कहो यहां तो कर्म कारक भी है, रोटी को खाया, क्या खाई रोटी, बिल्कुल सही है, कर्म कारक भी है, लेकिन ऑप्शन में एक ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आ जाए। राम ने रोटी खाई कौन सा कारक, या तो कर्ता करण अपादान सुप्रदान ऐसे कह देगा, तो कर्ता कारक। अगर उसको ये पूछना हुआ तो कर्ता ऑप्शन से हटाएगा, कर्म लिख देगा। समझ में आ गई ना, दोनों चीज नहीं दे सकता। अगर दोनों दिए हैं तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कर्ता व कर्म दोनों कारक, ठीक है। इस सेंटेंस में सीता गीत गाती है, अब बताओ कौन सा कारक है। इसमें तो ना तो कोई विभक्ति नहीं लग रही है, क्योंकि प्रेजेंट का वर्तमान के सेंटेंस में ज्यादातर विभक्तियां नहीं आती हैं। तो आप देखो सीता गीत गाती है, अब गाने वाला कौन है, गाती है, जिसने काम किया है किसने, सीता ने, तो कर्ता कारक है सीता। गीत को क्या गाया वो कर्म कारक है, तो कर्ता भी है यहां पे कर्म भी है, तो ये परोक्ष रूप है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ने भी नहीं लगता तब भी कर्ता कारक है, देख रहे हैं ना। मोहन को पढ़ना चाहिए, अब देखो कोई सलाह दे रहा है मोहन को पढ़ना चाहिए, अब पढ़ने का काम किसको करना चाहिए, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन। अब को देखते ही तो हम तो कर्म लगा जाएंगे यहां पे, नहीं, पढ़ने का काम जिसके द्वारा हो, जिसके द्वारा हो वही कर्ता कारक है। जो भी काम जिसके द्वारा होता है, यहां गीत गाने का काम जिसके द्वारा हो रहा है, रोटी खाने का काम जिसके द्वारा हो रहा है वही कर्ता कारक है, और यहां तो साफ ही बोल रहे हैं उनके द्वारा पढ़ा जाता है, तो जिसके द्वारा, तो ये कर्ता कारक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ने आएगा तभी कर्ता कारक होता है, के द्वारा भी आ जाए तो भी कर्ता कारक होता है, देख लीजिए, द्वारा भी लग रहा है तब भी कर्ता कारक है। राम द्वारा रावण मारा गया, तो अब इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, क्योंकि मारना काम था किसने किया, मारने का काम राम ने, ठीक है, किसको मारा गया, रावण, तो कर्म कारक भी है, जिसके ऊपर क्या मारा गया, रावण, या किसको मारा गया, रावण, तो यहां पे उत्तर मिल रहा है क्या या किसको की जगह जो लग जाए वही कर्म कारक है। उनसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम किसका है, उनसे, उनसे ही पढ़वाना है हमें, उनसे ही पढ़वाना है, तो ये आपका कर्ता कारक है ना, समझ में आ गया ना। तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट काम है, अब देखिए इसमें हो जाता है उनसे पढ़वाया जाता है, पढ़वाया जाता है, अब ये पढ़वाया, पढ़वाया किसने है, अब ये तो उनसे हो गया, पढ़वाया किसने है, तो यहां पे कर्ता एब्सेंट है, पढ़वाया तो है ही नहीं, अब यहां पढ़ा जाता है, पढ़ा किसने है, उनसे, उनसे, तो ये सब कर्ता कारक है, यहां पे उनसे कर्ता नहीं होगा। पढ़वाना, पढ़वाना काम किसका है, पढ़वाना, पढ़वाने का काम किसने किया है पढ़वाने का, वो तो है ही नहीं, अध्यापक ने उनसे पढ़वाया, तो तब तो मैं कह सकता था अध्यापक कर्ता कारक है, तो उनसे करवाया है काम, काम जिसने करवाया, तो अब यहां पे कर्ता नहीं कर सकते आप, समझ में आ गई ना। उनसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम उनसे, ठीक है, उनसे पढ़ा जाता है, पढ़वाया नहीं कह सकते। चलिए, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, कर्ता कारक पे बहुत मूड मार लिया हमने, आगे कर्म कारक पे करते हैं। कर्म को या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से को यूज हो रहा हो तो समझ लेना कर्म कारक है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, को प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर काम किया जाए, क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को, क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वो कर्म का होता है। श्याम ने पानी पिया, यहां पे क्या है कर्म, क्या पिया, क्या पिया, पानी, कर्म है पानी, तो कर्म कारक है पानी में, ठीक है। तो चलिए, माँ ने बेटे को खाना, तुम कहो यहां तो कर्ता भी तो है, हाँ कर्ता है, पर कर्ता को क्यों पूछेगा, वो ऐसा पूछना चाह रहा है ना, ऐसी जगह ही तो फंसोगे तुम लोग। माँ ने बेटे को खाना खिलाया, अब माँ ने बेटे को खाना खिलाया, अब माँ तो हो गई कर्ता, बिल्कुल सही, खिलाने का काम ये क्रिया हो गई, क्या खिलाया, खाना, ये भी कर्म है। किसको खिलाया,
जिसको खिलाया वो भी कर्म है, तो यहां कर्म कारक हो गया। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा आपको। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कर्ता क्या है कर्म क्या है। कर्म दो दो भी हो सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है, जैसे यहां दिख रहा है। तो कर्म, अब ये कारक मत बोलिए तुम, क्या हो ये ने जो है ये कारक है क्या? ये तो पहचान है, कारक तो यही होते हैं संज्ञा सर्वनाम ही, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे अपवाद में आ जाइए आप। अपवाद परिव, अब देखिए कुछ कारक ऐसे भी हैं कि भाई यहां पे हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए मैंने अलग अपवाद में डाल दिया। गत्यार्थक योग्य, गत्या संस्कृत का शब्द है, गच्छामी वगैरह तुमने सुना होगा, तो जाना होता है ना, तो जाने के अर्थ में। और परिव मतलब परी माने चारों ओर, परी तो परिधि तुमने सुना होगा है ना, परिमाप तो वो चारों ओर से माप, तो वही है उसके चारों ओर। तो परी मतलब चारों ओर या दोनों ओर या चारों ओर या तीनों ओर, यहां पे उस परीव का मतलब ये है। तो ऐसे शब्द जहां यूज होंगे ना वहां आपका यही कारक लगेगा, कर्म कारक, समझ गए ना, क्योंकि हम कर्म ही पढ़ रहे हैं अभी, ऊपर देख रहे हो ना, ये कर्म कारक के उदाहरण है, उसी के अपवाद है। घर के चारों ओर, अब यहां पहचानना मुश्किल हो जाता हमें, इसके लिए मैंने इसलिए अपवाद में डाल दिया यह चीज। तो आपको याद रहेगी कि कर्म घर के चारों ओर, कोई अपना कर्म कर रहा है, बगीचा, बगीचे का कर्म है घर के चारों ओर, ऐसे समझ लीजिए। गांव के तीनों तरफ नदी बह रही है, नदी भी तो अपना काम कर रही है, वो बह रही है, तो कर्म कर्म कारक है, तीनों तरफ बह रही है ना। मुनि, अब देखिए जाने के अर्थ में आ जाओ, मुनि वन में जाते हैं तो जाना हो गया ना, और जबकि मैं देखते ही हम लगेंगे अधिकरण कारक में, जबकि नहीं, जाने के अर्थ में हमेशा हमेशा जो है आपको लगाना है कर्म कारक। वह बाजार जाता है, यहां तो साफ ही दिख रहा बाजार को जाता है, कोई तो फिट हो सकता है यहां, तो कर्म कारक वैसे ही दिख रहा था, पर यहां ऊपर वाले में फंस सकते हो आप, वन को जाता है, वन में जाता है, एक मैं हटा के को कर लो ज्यादा अच्छा लगेगा है ना। तो फिर मे में भी आपका कंफ्यूजन, तो मे की जगह को लगा के देखो, फिट हो रहा है बढ़िया, तो फिर तो आपका कर्म कारक, फिर आपको एक गच्छामी वगैरह भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो जाने के अर्थ में जो भी सेंटेंस होगा वहां भी कर्म कारक है, क्योंकि जाना भी एक कर्म है, कहीं जा रहे हो तो कर्म ही कर रहे हो ना अपना। आगे करण कारक, से उस से कौन सा, देखिए ये से वो वाला है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी से बोल दिया तो वो, तो से भी ऐसा जो इसका अर्थ निकले के द्वारा, ठीक है। तुम कलम से लिखते हो, मतलब कलम से मतलब कलम के द्वारा लिखते हो, बिल्कुल सही है। राम ने रावण को तीर से मारा, अब बताओ कौन सा, ये तीर में कौन सा हो गया, तीर में आपका करण कारक, तीर के द्वारा, जिसके द्वारा काम हुआ है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी के द्वारा कर्म कारक, करण कारक सॉरी। तुम बस से, बस के द्वारा, बस में करण कारक, ठीक है। अब इसके भी अपवाद हैं, देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। अपवाद क्या है, अंग भंग हो जाना करण कारक में आएगा, के साथ करण कारक में, समय पूछना या बताना करण कारक में, ऐसे याद रखिए इनको। तुम कहोगे याद कैसे रखेंगे, ऐसे समझिए करण कारक है ना, करण, करण तो महाभारत में भी एक करण था, और उसका अंग भंग भी हुए थे। अंग भंग कैसे, आप समझो कवच कुंडल सब जान में दिए थे ना उसने, तो अंगी तो था उसका भी, कवच कुंडल खाल से अपनी से छुटा के दिया था, तो अंग भंग कर दिए थे कर्ण ने है ना अपने ही। और इसने साथ तो छोड़ा ही नहीं था दुर्योधन का, बहुत कृष्ण जी ने भी जोर लगाए थे कि आप अच्छे आदमी हो, आप इस साइड आ जाओ, रहने दो नहीं मारे जाओगे, तो साथ नहीं छोड़ा फिर भी। तो कर्ण का अर्थ तो साथ से भी ऐसे ही जुड़ जाएगा, और कर्ण तो समय का पाबंद था, बिल्कुल नेम टेम से सारे काम करता था, समय पूछना बताना, तो ऐसे आप कर्ण को याद रख सकते हो है ना। अब देखिए अपवाद में आ जाइए, ये सारे, वह एक आंख से काना है, अंग भंग है, एक आंख भंग हो गई, वह लंगड़ा है, अब जरूरी थोड़ी है ये बोले एक पैर से लंगड़ा है, अंग भंग तो यहां भी है, लंगड़ा है तो एक पैर है ही नहीं उसको, तो अंग भंग हो गया। तो जैसे अंग भंग याद आएगा, करण, करण ने किया था अंग भंग अपने है ना। रमेश पिता के साथ टहलने गया, तो के साथ, तो के साथ भी मतलब साथ नहीं छोड़ता था करण, तो वो साथ आप याद रखिए, करण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, लो एग्जांपल भी उस पे दे दिया मैंने, तो के साथ, साथ अगर
वर्ड आता है तो भी आपका करण से ही जोड़ोगे, क्योंकि करण का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना, महाभारत में। घड़ी में कितने बजे हैं, तो घड़ी में कितने बजे हैं, समय पूछ रहा है ना, तो समय पूछना है बताना। आज रात 9 बजे, समय बताना, आज रात 9 बजे शहर जाना है, तो समय बता रहा है कि मैं 9 बजे जाऊंगा, तो समय का पाबंद भी करणी था, ऐसे आप याद कर रख सकते हो। आगे संप्रदान में देखिए, संप्रदान के लिए यको, जिसके अर्थ के लिए हो, मतलब ऐसे को का अर्थ, ये तुम कहो जी कर्म में भी तो लगता है को, ये तो कंफ्यूज कर देगा, अब कौन सा, इस को का अर्थ होगा के लिए, कर्म वाले का अर्थ कभी भी के लिए नहीं हो सकता। राम किताब पढ़ता है, कौन सा कारक है बताओ, किताब पढ़ता है, राम तो छोड़ दो ये तो करता है, पढ़ता है, अब बताओ किताब को पढ़ता है, यहां को अर्थ को है, किताब के लिए पढ़ता है, यहां संप्रदान लगा सकते हो तुम, कहो जी को, यहां तो को भी तो आ रहा है, तो संप्रदान हो सकता है, क्यों को संप्रदान, अरे इस को का अर्थ के लिए नहीं निकल रहा ना, राम किताब के लिए पढ़ता है, गलत, ठीक है, राम किताब को पढ़ता है, ये करण हमेशा कर्म कारक में ही आएगा, ठीक है, और के लिए संप्रदान कारक में, जैसे राम सब्जी खरीदने बाजार गया, खरीदने, अब तुम कहो जी के लिए तो इसमें आया ही नहीं, तो खरीदने के लिए, इसमें तुम खुद सोच के देखो, खरीदने के लिए खुद फिट कर दोगे अपने आप, खरीदने के लिए संप्रदान कारक है, सब्जी खरीदने के लिए इसमें संप्रदान कारक हो गया, बाजार को गया कर्म कारक भी है, पर कर्म नहीं पूछेगा, ये पूछना चाह रहा है वो, तो ठीक है, ऑप्शन में कर्म नहीं देगा, कर्ता नहीं देगा, संप्रदान देगा आपको, वह मुझसे मिलने आई, मुझसे मिलने के लिए आई, ठीक है, संप्रदान कारक, ठीक है, रमेश पढ़ने स्कूल को जाता है, पढ़ने के लिए संप्रदान, को कर्म, ठीक है, मैंने भाई को खिलौना दिया, मैंने भाई के लिए, देखिए इस को का अर्थ तुम सोचो, देखते ही बच्चे इसमें कर्म कारक मारेंगे, अब वो कर्म कारक, कर्म में को, कर्ता ने कर्म को पढ़ रखा जी हमने, अरे भाई मैंने, मैंने भाई के लिए फिट करके देखो, यहां के लिए फिट हो रहा है तो ये संप्रदान ही बैठेगा, इस को में मैंने किताब को पढ़ा, उस किताब को पढ़ा, उसको की जगह के लिए नहीं फिट कर सकते आप, वहां पे कर्म कारक है वो, राम ने, वो मां ने राम को रोटी खिलाई, तो मां ने राम को रोटी खिलाई, किसको खिलाई, तो किसको से जवाब मिला, राम को, राम के लिए रोटी खिलाई, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो वहां कर्म कारक है, मैंने भाई को खिलौना दिया, भाई के लिए, ताकि भाई उससे खेल सके, है ना, तो इस तरीके से, इसके भी अपवाद है जरा चेक कर लो, मतलब इनके अलावा, जो के लिए के अलावा और कहां कहां वो कारक हो सकता है आप देखिए, नमस्कार सदा के लिए देना कोई वस्तु, तो वहां पर भी आप वही कारक लगाओगे, कौन सा, संप्रदान, याद रखिएगा ये बात, संप्रदान, तो नमस्कार है ना, तो नमस्कार, पिताजी को सादर प्रणाम है, नमस्कार की अवस्था है, तो संप्रदान, ठीक है, तो ताऊ जी को मेरा नमस्कार है, बिल्कुल आप नमस्कार में यही लगाते हो, सदा के लिए कोई वस्तु किसी को दे दी जाए, दान कर दी जाए, हमेशा के लिए सदा के लिए दान कर दी जाए, तो भी यहां पर संप्रदान ही होगा, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, सदा के लिए दे रहा है या कभी थोड़ी टाइम के लिए दे रहा है, दान तो सदा के लिए दिया जाता है, तो अब यहां को की जगह हम क्या लगा देंगे, एकदम देखते ही हम लगा देंगे इसमें, ये तो कर्म कारक है, ब्राह्मण के लिए संप्रदान, अरे भाई के लिए भी लगा कर देखो, संप्रदान फिट बैठ रहा है तो ऐसे ही लगा देना संप्रदान, और सदा के लिए भी नहीं ध्यान रहे तो ऐसे भी तो सोच सकते हो, राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है, बिल्कुल सही है, मैंने भिखारी को भीख दी, मैंने भिखारी के लिए भीख दी, के लिए भी तो फिट हो रहा है और ये भी बात फिट बैठ रही है सदा के लिए, ठीक है, तो चलिए भीख भी तो सदा के लिए दी जाती है, चलिए तो आगे बढ़ते अपादान कारक, से जिसमें भी लगा होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से पर ऐसा होना चाहिए अलग होने के अर्थ में, मैंने चाकू से सब्जी काटी, ये थोड़ी अलग हो रहा, चाकू के द्वारा, उस से का अर्थ था करण वाले से का के द्वारा, यहां पे के द्वारा नहीं होगा, पेड़ के द्वारा पत्ते गिरते हैं, गलत, पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां पे मेरा घर शहर से दूर है, मेरा घर और शहर में अलग कर दिया दूरी से, है ना, से, तो मेरा घर शहर से दूर है, अलग दिखा रहा है, मेरा घर अलग है शहर से,
तो खरगोश बाघ से बहुत डरता है, यानी खरगोश बाघ से दूर दूर रहता है, अलग हो जाता है एकदम, तो अलगाव है। वह गांव से पढ़ने आया है, गांव से आ गया दूर पढ़ने, है ना, तो अलग हो गया। अब पढ़ने के लिए आया, तुम कहो यहां तो संप्रदान भी बिल्कुल है, मैं कहां मना कर रहा हूं, वह आया है कर्ता भी है, लेकिन वो इसको पूछना चाह रहा है ना, ठीक है। तो वो अपने आप दिखेगा आपको कि कौन सा आप वाक्य में लगा सकते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है बिल्कुल। बिल्ली छत से कूदी, छत से अलग हो गई बिल्ली, बिल्कुल। अपवाद आ जाओ, जहां पर किसी चीज की तुलना भी की जाए वहां पर भी ये मतलब कारक लग जाएगा। तुम कहो सीता मोहन से लंबी है तो अलग नहीं हो रहा, पर मैंने बोला ये तुलना तो है, तो तुलना भी अलगाव को दर्शाएगी, अलगाव को, ठीक है, तुलना भी अलग करती है। भाई सीता मोहन से पहचानो कैसे, सीता कौन सी मोहन कौन सी, दोनों एक से कपड़े पहन के आ गए तो, हालांकि ये तो लड़कियां, दो लड़के भी होते, राम मोहन से लंबा है, दोनों एक से आ गए तो अलग कैसे पहचानोगे, भाई ये देखेंगे, अगर ये बात पता है राम मोहन से लंबा है तो ये भी तो अलगाव हो गया ना, किसी तरह से लंबा है, वह रीता से अधिक सुंदर है, एकदम पहचान लोगे कि वो अलगाव है, वो अधिक सुंदर है। तो तुलना भी अलगाव ही होता है कहीं ना कहीं। मेरा टीवी तुम्हारे टीवी से ज्यादा अच्छा दृश्य दिखाता है, तो अलग कर रहा है अपने टीवी में, मेरा तो अलग है तेरे से, क्या तेरा खटारा टीवी। चलिए, तो ऐसे आप समझ सकते हो। संबंध कारक, काकी के रारी रे, जहां भी लग जाएगा वहां संबंध कारक होगा। उस वृद्ध व्यक्ति की तीन पुत्रियां, संबंध दिखा रहे हैं व्यक्ति का पुत्री से, मेरा भाई रा लग गया, मेरा भाई है ना, मुझसे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे नहीं करने देगा। राम का भाई तो का लग गया, एकदम कहोगे संबंध है। मेरी पुत्री री लग गया, मेरी पुत्री रारी रे, काकी के जहां लगे वहां पर संबंध कारक होता है। जब वस्तु, अब अपवाद पे आ जाओ, कहीं ऐसा भी होगा जहां ये चीज फिट नहीं हो रही होंगी, कुछ और सोचना पड़ेगा इनको। एक बार अच्छे से वीडियो दो एक बार जरूर देख लें और अपना तैयार कर लें, नोट्स बना लें अच्छे से, ठीक है। जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, तो वहां पर भी आपका यही कारक होता है, संबंध कारक। और सदा के लिए दी जाए तो कौन सा कारक होता है, जहां सदा के लिए दे दी जाए वहां तो संप्रदान होगा, सदा के लिए दान कर दिया आपने, है ना। अपादान का क्या है फिर, वो अपवाद, अपादान का है तुलना, संप्रदान का क्या है सदा के लिए दान, ठीक है, वो संप्रदान। नमस्कार भी, नमस्कार भी तो किसी को दान ही दे रहे हो, लो जी मेरा नमस्कार दान में ले लो, तो संप्रदान में वो भी दान ही है ना। करण में क्या है, करण में अपवाद, रटवा रहा हूं अपवाद, करण में एक तो समय पूछना, क्योंकि समय का बहुत पाबंद था करण, है ना, महाभारत वाला, उसको याद रखना, उसने साथ भी नहीं छोड़ा था दुर्योधन का, तो के साथ वर्ड लग जाए तो करण कारक होगा। और क्या, और सोचिए एक और था, ध्यान करिए फिर से, अरे भाई अंग भंग, कर्ण के अंग भंग भी तो हुए थे, कवच कुंडल ले लिए थे, तो ठीक है ना ये सब। और एक कर्म कारक में भी है, कर्म कारक में भी अपवाद था, कुछ याद आ रहा है कर्म कारक में कौन सा अपवाद था, देखो फिर से देखो कर्म कारक का अपवाद, मुझे लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा ना इसलिए। अरे भाई ये रहा, परिव, दोनों ओर जाने के अर्थ में, दोनों ओर तीनों ओर नदी बहती है, चारों ओर बहती है, ये कर्म करती है ना नदी, चारों ओर बहकर अपना, है ना, ठीक है। और देखिए इसके अपवाद तो रह गए, अपवाद क्या है, सदा के लिए। एग्जाम्पल, तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, ये सदा के लिए दिए जा रहे हैं, कोई नहीं दिए जा रहे, तो समझ लेना धोबी को तो धोने के लिए दे रहे हैं हम, तो ऐसे समझना इसमें संबंध कारक होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं तो पहचानना। संबंध कारक, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूं, एकदम पहचान जाओगे, भाई दे तो रहा है चीज पर सदा के लिए नहीं दे रहा, सिर्फ पढ़ने के लिए। तुम कहो संप्रदान भी है, बिल्कुल है, अपनी पुस्तक दे रहा हूं सदा के लिए, तो संप्रदान ऑप्शन नहीं मिला, क्या लगाओगे फिर आप, संबंध कारक, है ना, अपनी पुस्तक, वैसे भी संबंध दिखा रहा है पुस्तक का अपने से, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। और आराम से, ये जरूरी नहीं है कि इतने ही एग्जाम्पल काफी रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ना किताब से, और कारक पहचानने की कोशिश करना जहां भी क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है, तो देखना आप कारक पहचान के बहुत आराम से पहचान लोगे। अधिकरण कारक, में पर या ऊपर, रमेश कमरे में घुस गया। देखिए अब इसमें कोई अपवाद नहीं, अधिकरण और संबोधन में कोई अपवाद नहीं, अपवाद का किस्सा खत्म। अधिकरण में पर
पार या ऊपर, ये वर्ड लगते हैं वहीं पे अधिकरण होता है। रमेश कमरे में घुस गया, कमरे में घुस गया, ठीक है। किताब मेज पर रख दो, मेज पर रख दो, पर है ना, ये तुम्हारा पेन अलमारी के ऊपर रखा है, तो एक पोजीशन बताता है किसी की, है ना, किसी की स्थिति बताए, कहां पर, कहां पर, उसमें, अंदर, ऐसे, है ना, उसके ऊपर, तो ऐसे। तो ये अधिकरण कारक में होता है, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए अधिकरण कारक, ठीक है। अब देखो संबोधन, संबोधन तो कोई नहीं भूलता और कोई अपवाद भी नहीं है, हे हो हरे जहां भी लग जाए वहां संबोधन। और ये कारक कहता है कि सबसे पहले लगता है ना, ओ हे अरे आ ये क्या हो गया, हे राम, तो इस तरीके से, ओ मेरे साथ क्या हो गया, अरे रमेश सीता को भगा ले गया, है ना, हे राम ये लड़का मानता नहीं, तो इस तरीके से आपका कारक कंप्लीट हो गया है। एक बार इस वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना कभी भी जरूरत पड़े तो, पर मैं समझता हूं आप अगर किताब से प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम्पल की, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। आप कोशिश करना और मुझे कमेंट करना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जरूर कमेंट करना। अगर आप क्वेश्चन पे एक पर भी अटक जाओ तो मेरी वीडियो को कभी मत देखना, आप नहीं अटकने वाले हो, आप प्रैक्टिस तो करना शुरू करो, ठीक है। और अगर आप अटक रहे हो ना, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कभी नहीं अटकोगे। ओके बाय बाय।